हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। हम आ चुके हैं जरगो डैम पे, जो कि मिर्जापुर शहर में और वाराणसी सिटी से ये 55 किलोमीटर अप्रॉक्स डिस्टेंस होगी इसकी। अब हम बात करते हैं इस डैम के बारे में। ये डैम जो है, इसके एक साइड 8 गेट है और इसके दूसरे साइड 4 गेट है। और इस डैम पे आने के लिए एकदम अच्छे से रास्ता बना हुआ है। देखिए, ये रास्ता पूरा बना हुआ है, इस पे आप आ सकते हैं। और हम एक ये डैम के एक हिस्से के पास हैं, जो कि ये मेरा फेवरेट हिस्सा है और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर जो फोटोज़ आती है ना, वो काफ़ी अच्छी आती है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मतलब यहाँ पर आप आके पिकनिक मना सकते हैं, लेकिन आपको पिकनिक मनाने के लिए घर से ही खाना बना के आना होगा। और जैसे यहाँ पर कोई आसपास कोई शॉप्स या दुकान भी नहीं है, तो अब तो आपको घर से ही बना के आना होगा। और ये देखिए, ये यहाँ की नहर है, ठीक है, ये नहर है। अभी हम आपको डैम पे भी लेके चलेंगे, लेकिन ये मेरा फेवरेट पार्ट है इस डैम का, जरगो डैम का। तो मैंने सोचा कि मैं आपको ये पहले दिखा दूँ। तो ये देखिए, ये व्यू देखिए आप यहाँ, कितना मतलब अच्छा लग रहा है ना। और आज का मौसम भी काफ़ी अच्छा है, तो मैंने सोचा कि मुझे आपको भी बताना चाहिए कि ये कैसा है। तो आइए, अब हम आपको एकदम अच्छे से व्यू दिखाते हैं। मेरा फेवरेट है, यहाँ पर मेरी फ़ोटोज़ काफ़ी अच्छी आती हैं। और अब बारिश भी होने लगी है, जो कि मुझे काफ़ी पसंद है, मतलब बारिश होना। ये देखिए, यस, और अब तो बारिश भी होने लगी है, तो यहाँ पर तो चार चांद लग गए हैं व्यू के। काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब आइए, हम आपको दूसरे साइड लेके चलेंगे। द व्यू ऑफ जरगो डैम। आप देखिए, दैट्स माय फेवरेट व्यू, द व्यू ऑफ जरगो डैम। और ये अपना पहाड़ी, और मौसम का तो क्या ही है, काफी अच्छा हो गया है। दूसरे साइड लेके जाएंगे, जो कि मैंने बोला था इधर, तो हम वहाँ लेके जाएंगे आपको। गए हैं और हमको आपको इसका व्यू दिखाना है। हम ये एकदम पास आ गए हैं, और भी पास हम जाएंगे, अभी देखते हैं कहाँ तक हम।
हम जा सकते हैं, वहाँ तक हम जाएंगे और अब हम इस पहाड़ पे ऊपर चढ़ेंगे जो कि काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और एक्साइटेड हूँ चढ़ने के लिए मैं। और अब हम आगे इस पे चढ़ेंगे जो कि देखते हैं कैसा होने वाला है। काफी अच्छा इस बार मेरा ट्रैवल रहा जो कि मुझे काफी मजा आया और ये मेरी सबसे मनपसंद जगह थी जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था क्योंकि वहां पर मैं किसी स्पेशल के साथ आया था ना। आइए चलेंगे ऊपर फिर दिखाते हैं कैसा है। तो आइए इस पे आगे चढ़ते हैं और देखते हैं ये कैसा है। आइए इसके ऊपर चढ़ेंगे हम लोग कैसा। ओह माय गॉड आइए 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 आपको हम दिखाएंगे यहाँ का व्यू जो कि मेरा सबसे फेवरेट प्लेस है। ये देखिए गाइस हम कहाँ आ गए। हाय दिखाते हैं हम आपको ये आइए इस पर भी चढ़ेंगे। आइए देखते हैं और कितना ऊपर हम जा सकते हैं। ये जो सीन है जो मैं जूम कर रहा हूँ ये कुछ पबजी या फ्री फायर टाइप नहीं लग रहा है जिसमें हम बोट या ब्रिज से क्रॉस करते हैं। और मैं ये सबसे ऊपर यस ये देखिए ये यहाँ से रास्ता है और ये यहाँ से पबजी टाइप व्यू है और ये मैं जहाँ से आया। अभी तो मैं यहाँ पर अकेला हूँ तो इतना अच्छा नहीं लग रहा है पर आप फैमिली के साथ आएंगे तो काफी अच्छा लगेगा। आप यहाँ पर पिकनिक मना सकते हैं और लेकिन आपको अपना ही बना के लाना होगा जो भी आप पिकनिक में खाना पीना चाहते हैं।
तो यही है जरगो डैम का व्यू। आइए, और एक यहाँ से भी रास्ता है और मैं ये सबसे ऊपर हूँ यहाँ पे। अभी से ऊपर आप देख सकते हैं कुछ नहीं है, और मैं आपको दिखाता हूँ मैं कहाँ से आया हूँ, कितना नीचे से। ये मतलब अभी भी मेरी बाइक दिख नहीं रही है, तो मतलब मुझे और नीचे जाना होगा तब दिखेगी। वो टेंपल है वहां पे पिंक कलर वाला। वो मेरी बाइक है सामने उधर, ये मैं आपको दिखाता हूँ। और ये वो रास्ता है जहां से मैं आया हूँ, और ये ऊपर का। और अब हमारी वापस जाने की तैयारी होगी, और अब हम नीचे उतरेंगे, जो कि बहुत संभल के उतरना होगा ताकि हमको चोट वोट ना लगे, बहुत ध्यान देना होगा। वैसे यहाँ पर फिसलन भी है, तब तो संभल के ही चलना है, नहीं तो डायरेक्ट नीचे और फिर डायरेक्ट ऊपर, कहानी खत्म। हम धीरे धीरे नीचे चल रहे हैं, लेकिन ये रास्ता मैंने गलत चुन लिया है क्या? मुझे दूसरे रास्ते से आना चाहिए था। ऐसे आइए, गलत को ही सही बनाने की कोशिश करते हैं। यस, ओके गाइस, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच।